नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ है और मैं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में सहायक आचार्य के पद पर कार्य कर रहा हूँ। आज हमारे विषय का बिंदु है उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र का बीए और एमए दोनों ही कक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में उदासीनता वक्र की अपनी एक भूमिका है, एक उपादेयता है। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा के बारे में। उदासीनता वक्र हमें ऐसे विभिन्न साम्यों को बताता है जिस पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। ये साम्य दो वस्तुओं से होते हैं और चूंकि इस पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, इसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, इस कारण इसको तटस्था वक्र कहते हैं। क्योंकि उपभोक्ता को कोई सा भी साम्य मिल जाए, वह अपने उपभोग के बारे में तटस्थ रहेगा। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, एक तालिका लेते हैं। सपोज करो हमारे पास दो वस्तु हैं, एक्स वस्तु और वाई वस्तु। एक्स वस्तु में जैसे जैसे हम एक्स वस्तु की इकाई बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, वैसे वैसे हमें संतुष्टि को समान रखने के लिए वाई वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयाँ घटानी पड़ेंगी। एक एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं हमारे पास चाय और बिस्कुट है। हमको एक चाय और 20 बिस्कुट जब मिलते हैं, तब हम मानते हैं कि हमें इतना लेवल सेटिस्फेक्शन मिल गया है, संतुष्टि का वो स्तर हमने प्राप्त कर लिया है एक चाय और 20 बिस्कुट के साथ। किंतु हम चाय की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं तो, और हम चाहते हैं कि हमारी संतुष्टि का स्तर वही का वही रहे, तो हमें चाहिए कि हम जो हमारी वाई वस्तु है बिस्कुट, उसको कम करें। तो जैसे ही हम चाय की मात्रा बढ़ाते हैं और 12 बिस्कुट की मात्रा पे आते हैं, तब भी हमारा संतुष्टि का लेवल वही रहता है। और फिर एक चाय और बढ़ाने पर फिर हम बिस्कुट की मात्रा और कम करते हैं ताकि हमारी संतुष्टि का स्तर वही रहे। इस कारण हर बिंदु पर, चाहे वो ए बिंदु हो, चाहे बी बिंदु हो, चाहे सी बिंदु हो, चाहे डी बिंदु हो, सभी बिंदुओं पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। वह प्रत्येक बिंदु में से कोई सा बिंदु उसे दे दिया जाए, सबके प्रति वह न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है, तटस्थ रहता है। इस कारण से उदासीनता वक्र कहते हैं। चित्र द्वारा हम समझाएंगे इस बात को। जैसे हम देख सकते हैं कि चाहे उसे संयोग ए मिल जाए जिसमें एक्स की कम मात्रा मिल रही है, वाई की ज़्यादा मिल रही है, और उत्तरोत्तर जैसे जैसे एक्स की मात्रा बढ़ाता जाता है वैसे वैसे वो वाई की मात्रा को घटाना पड़ेगा उसे। तो ए बी सी डी ई सभी बिंदुओं पर उसकी उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी समान रहती है। इस कारण इसे उदासीनता वक्र कहते हैं। उदासीनता वक्र के अंदर की कुछ विशेषताएँ होती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है जिसे बोलते हैं उसका ढाल ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक चूंकि मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे जैसे हम एक वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयां बढ़ाते जाएंगे, त्यों त्यों हमें दूसरी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयां कम करनी पड़ेंगी ताकि हमारी संतुष्टि या उपभोक्ता की संतुष्टि समान रहे। अतः निम्न प्रकार के उदासीनता वक्र कतई नहीं हो सकते। जैसे आपने पहला चित्र देखिए जिसमें उदासीनता वक्र यानी इनडिफेंस कर्व लंबवत खड़ा है, सीधा खड़ा है। इसमें एक्स वस्तु की जो कि ओ एक्स अक्ष पर है समान वस्तु मात्रा रहती है और वाई वस्तु की हम मात्रा बढ़ाते हैं। यदि ऐसा कभी होगा कि हम एक वस्तु की मात्रा को स्थिर रखते हुए दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारी संतुष्टि भी बढ़ेगी। किंतु चूंकि उपभोक्ता उदासीनता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि का स्तर समान रहता है, इस कारण यहाँ संतुष्टि का स्तर बढ़ेगा तो ये उदासीनता वक्र नहीं हो सकता। उसी प्रकार से हम दूसरे की बात करें जहां की उदासीनता वक्र लंबवत है, तो इसमें हम देखेंगे कि x वस्तु की मात्रा बढ़ती जा रही है, वाई वस्तु की मात्रा स्थिर है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की संतुष्टि बढ़ेगी, स्थिर नहीं रहेगी। इस कारण ये भी उदासीनता वक्र नहीं हो सकता। और हम तीसरा जब देखते हैं, जब जो कि 45 जो एक एंगल से ऊपर की तरफ जा रहा है उदासीनता वक्र, इसमें दोनों वस्तुओं की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है। अगर दोनों वस्तुओं की मात्रा बढ़ेगी तो उपभोक्ता की संतुष्टि भी बढ़ेगी। इस कारण ऐसा भी उदासीनता वक्र नहीं हो सकता। दूसरी बात, दूसरी विशेषता है कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होता है यानी कॉन्वेक्स होता है। इसका मतलब यह होता है कि जैसे जैसे हम एक वस्तु की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, त्यों त्यों हम दूसरी वस्तु की उत्तरोत्तर कम मात्रा त्याग रहे हैं। जैसे कि हमने प्रतिस्थापन की सीमांत दर जिसको बोलते हैं MRTS बोलते हैं, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसमें पहले हमने जब हमने एक वस्तु बढ़ाई तो हमने उसके लिए 8 बिस्कुट का त्याग किया। जब हमें अगली एक वस्तु बढ़ाई उसके लिए हम 4 बिस्कुट का त्याग किया। डी पॉइंट पर हमने एक वस्तु बढ़ाई फिर 2 का ही त्याग किया, और ई पॉइंट पर जब हम जाते हैं एक वस्तु बढ़ाई और 1 का ही त्याग किया। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीज़न ये होता है कि उपभोक्ता के पास जैसे जैसी वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है उसकी उपयोगिता उसके लिए कम होती जाती है। जब उसके पास चाय 1 थी
20 बिस्कुट थे, चाय की मात्रा बढ़ रही है उसके पास, तो चाय की उपयोगिता कम हो रही है, तीन चाय हो रही है तो और उपयोगिता, चाय की उपयोगिता जिस जिस वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है उसकी उपयोगिता कम होती जाती है, जिसे हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी कहते हैं। इस कारण हमारे लिए उस वस्तु की वैल्यू बढ़ जाती है जो कि हमारे पास कम है, इस कारण हम उत्तरोत्तर कम का त्याग करते हैं। तो कुछ इसमें अपवाद होते हैं उदासीनता वक्र में, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि उदासीनता वक्र कॉन्वेक्स नहीं होता, कई वस्तु में कॉनकेव होता है, कई प्रकार की वस्तु होती हैं जिसमें हम मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं और उत्तरोत्तर त्याग हम कर रहे हैं किंतु घटती हुई दर से नहीं बढ़ती हुई दर से कर रहे हैं, ऐसी भी कई वस्तुएं होती हैं अर्थशास्त्र में, उसमें उदासीनता वक्र का शेप कॉनकेव हो जाता है, नतोदर हो जाता है, ये कॉनकेव हो जाता है, इस प्रकार का हो जाता है। और दूसरी बात हम करते हैं जब पूर्ण पूरक वस्तुओं की बात करते हैं, जब परफेक्ट सप्लीमेंट्री गुड्स की बात की जाती है, जो एक के बगैर एक का काम चलेगा नहीं, तब उदासीनता वक्र एल आकृति का बन जाता है। एल आकृति का तात्पर्य होता है कि जैसे हमने माना ओ एक्स अक्ष पर एक पैर का जूता है, ओ वाई अक्ष पर दूसरे पैर का जूता है। अब जब एक पैर का जूता और दूसरे पैर का जूता जब मिलता है तो एक ही संयोग प्राप्त होगा, उसके अलावा अगर आपके पास एक पैर का जूता है, दूसरे चाहे एक्स मान एक्स वस्तु मान लो, दूसरा अगर जूता बढ़ाते जा रहे हो आप लगातार, दूसरा तीसरा चौथा, और जूता दूसरा एक ही है दूसरे पैर का, तो आपकी संतुष्टि का स्तर नहीं बढ़ेगा। तो इसमें एक ही पॉइंट बनता है जहां एल आकृति का बिंदु बनता है, जहां दोनों एक एक मात्रा मिलती है। अगर हमें संतुष्टि बढ़ानी होती है उपभोक्ता की, तो फिर दोनों वस्तुओं को पैरेलल बढ़ाया जाता है। तीसरी वस्तु होती है स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न वस्तु में भी उपभोक्ता का संतुष्टि का स्तर जो होता है वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी में चाय की मात्रा बढ़ाने पर आप उतनी कॉफ़ी की मात्रा को कम करेंगे। चाय की मात्रा जितनी बढ़ाई, चार चाय पी आप दिन में, तीन चाय तीन कॉफ़ी पीते हैं, एक चाय बढ़ाओगे तो एक कॉफ़ी कम करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में उदासीनता वक्र जो 45 डिग्री की रेखा के समान हो जाता है। तीसरी विशेषता, ये उदासीनता वक्र कई प्रकार के हो सकते हैं, और एक उदासीनता वक्र जो होता है एक मानचित्र के ऊपर कई प्रकार का हो सकता है, उनका समानांतर होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये तो जरूरी है कि ऊपर से और नीचे गिरता हुआ होगा, कॉन्वेक्स होगा, किंतु वो किसी भी आकृति का हो सकता है। चौथी विशेषता है कि उदासीनता वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते। ये विशेषता इसलिए है कि जब भी हम उदासीनता वक्र का अध्ययन करते हैं तब हम पाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि हम जैसे वैसे वस्तु की मात्रा बढ़ाते जाते हैं हमारी संतुष्टि का स्तर बढ़ता जाता है, और हमेशा ऊंचा उदासीनता वक्र अधिक संतुष्टि को बताता है। जैसे इसमें आपको दो उदासीनता वक्र दिख रहे हैं, IC1 और IC2, और दोनों ई बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। जब हम बाइक के समीप जाते हैं तब हम बात करते हैं कि हमारे को IC2 पर ज़्यादा संतुष्टि मिली है क्योंकि वो ऊंचा उदासीनता वक्र है, और फिर ई बिंदु पर हमें ऐसा दिखता है कि IC1 और IC2 बराबर हो गए। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो जो उपभोक्ता को जिस पर ज़्यादा संयोग मिल रहा हो, ज़्यादा संतुष्टि मिल रही हो, वो कम हो जाएगी और नीचे वाले पर ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। और इसका एक रीज़न होता है संक्रमकता की मान्यता होती है, क्योंकि अगर उपभोक्ता एक बिंदु पर ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त करेगा, दूसरी बिंदु पर कम करेगा, तो हमेशा उपभोक्ता एक पर ज़्यादा करेगा, दूसरे पर कम ही करेगा। तो इस कारण ये ऐसा नहीं हो सकता, संगतता का अभाव रहता है। ये उदासीनता वक्र की एक विशेष विशेषता होती है जिसे प्रोफेसर बोल्डिंग ने बताया। प्रोफेसर बोल्डिंग ने विचार दिया था कि उदासीनता वक्र गोलाकार भी हो सकते हैं। अभी तक हमने जो बात करी वो अगर आप देखेंगे इस डायग्राम में, तो यहाँ 1, 2, 3 और 4 अवस्थाएँ प्राप्त होती हैं। जो तीसरी अवस्था थी इसकी हमने बात की अभी तक, कि भाई ये उदासीनता वक्र इस आकृति का हो सकता है। दूसरी बात, उदासीनता वक्र पहली स्थिति में भी हो सकता है, दूसरी में हो सकता है, चौथी में हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक सीमा के बाद जब हमारी वस्तु का संतुष्टि का लेवल जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, हम किसी वस्तु को उपभोग करते आते हैं, संतुष्ट होने के बाद भी हम उपभोग कर रहे हैं, या एक ऐसी वस्तु है जो हमें पसंद नहीं है, जिसकी उपयोगिता नेगेटिव है, उसका हम उपभोग कर रहे हैं, तो उस वो उपयोगिता को घटाएगा और एक वस्तु उपयोगिता को बढ़ाएगी। तो दूसरे और चौथे जो भाग है इसमें एक वस्तु बढ़ा रही है, दूसरी उपयोगिता घटा रही है। जैसे सपोज करो आपके पास बाइक है किंतु पोल्यूशन हो रहा है, तो बाइक से उपयोगिता मिली, पोल्यूशन से आपकी उपयोगिता घट रही है। तो दूसरी और चौथी स्थिति में एक वस्तु आपकी वस्तु होती है और दूसरी वस्तु अवस्तु हो जाती है, जिसकी उपयोगिता ऋणात्मक होती है। और जो पहली अवस्था है उसमें दोनों ही वस्तु आपके लिए अवस्तु हो जाती हैं। इसमें उपभोक्ता ऊपर जाना नहीं चाहेगा, नीचे की तरफ आना चाहेगा, वो ई बिंदु के पास आना चाहेगा,
थर्ड में, सेकंड में और फोर्थ में वो ई बिंदु पास ऊपरी तरफ जाना चाहेगा और फर्स्ट में वो नीचे की तरफ आना चाहेगा ताकि उसका संतुष्टि का स्तर बढ़े। तो ई बिंदु जो यहाँ पर है वो पूर्ण संतुष्टि का बिंदु होता है, जो कि हम ये बताता है कि यहाँ उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि मिल जाती है इस दायरे के अंतर्गत। तो ये हमारा उदासीनता वक्र का विश्लेषण था, उसकी कुछ विशेषताएँ थी। धन्यवाद।